मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स अगेन वेलकम इन माई इंग्लिश क्लास सो टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर टू क्वेश्चन आंसर्स ओके इन लास्ट वीडियो एज यू नो वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओके सो इफ यू हैव नॉट सीन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू विल नॉट सी द एक्सप्लेनेशन हाउ विल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स ओके जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं देखेंगे तो हम इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे है ना सॉरी जब तक हम वीडियो नहीं देखेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर कैसे समझेंगे कि हमने क्वेश्चन आंसर्स की जो आंसर है वो कैसे रिलेट करेंगे है ना जब हमने चैप्टर पढ़ा होता है तो क्या होता है ना हमें हर क्वेश्चन आंसर आते होते हैं समझ आते हैं कि हाँ इसका आंसर यही होगा अगर नहीं भी हमने क्वेश्चन लर्न करे होते हैं तो भी हम कर लेते हैं ओके सो नाउ लेट्स मूव एंड स्टार्ट वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द डेट हेयर डेट मैंशन कीजिएगा ओके दैन राइट डाउन द चैप्टर नेम वेरी नीट एंड क्लीनली ओके यू यू कैन यूज़ पेंसिल कलर फॉर द हाईलाइट पेंसिल से आपने लिखा देन यू कैन यूज़ कलर फॉर द हाईलाइट ओके और ऐसे ही आप सो लेट स्टार्ट फर्स्ट है आपका वर्ड मीनिंग ओके वर्ड मीनिंग है हमारे राइट डाउन द हेडिंग वर्ड मीनिंग ओके फर्स्ट है हमारा मैजिक मैजिक क्या होता है ट्रिक्स दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल मैजिक वो होता है ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स जो ऐसा लगता है जो देखने में इम्पॉसिबल है वही तुम्हारा क्या होगा मैजिक मैजिक क्या होता है रीड अगेन मैजिक क्या होता है ट्रिक्स ऐसे ट्रिक दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल ट्रिक्स वो होती हैं मैजिक वो होता है ऐसे ट्रिक्स जो लगता है कि इम्पॉसिबल है तो वो जादू हो गया हुआ नहीं हुआ आप सोचिए कोई चीज़ फ्लोट कर रही है हवा में अब क्या वो चीज़ पॉसिबल है नहीं ना कोई कोई को इंसान वो चीज़ ट्रिक से कर रहा है तो वो क्या होगा हमारे लिए मैजिक होगा अभी देखिए पैन से चल रही हैं तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ चल रहा है जादू है नहीं है ना ये ट्रिक है टच कर रहे हैं स्क्रीन पर सबको तो टाइप हो रहा है ना सो मैजिक क्या होता है मैजिक इज़ अ ट्रिक एक ट्रिक होती है जो हमें दिखती है कि वो इम्पॉसिबल है सो आंसर क्या है ट्रिक्स दैट सीम टू बी इम्पॉसिबल ओके नेक्स्ट हमारा गार्डन नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्डन सो गार्डन क्या होता है गार्डन पता है सबका बगीचा होता है अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर एक ऐसा हमने जगह ले ली है जिसमें हमने क्या सिर्फ और सिर्फ फूल उगाए हैं फूल हमने वहाँ पर ग्रो करे हैं सो so, एक ऐसी प्लेस अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर एक ऐसा पीस ग्राउंड का जो फ्लावर है उसमें जिसमें फ्लावर ही फ्लावर हम ग्रो करेंगे वो हो गया हमारा गार्डन सो so, गार्डन है अ पीस ऑफ अ पीस ऑफ ग्राउंड फॉर ग्रोइंग फ्लावर्स ओके सो नेक्स्ट वी हैव द वर्ड गार्डनर्स गार्डनर्स क्या होते हैं गार्डनर्स क्या होते हैं अब ये गार्डन तो हो गया बगीचा अब गार्डनर्स कौन हो गया गार्डन तो बगीचा और गार्डनर्स होते हैं जो बगीचे का ध्यान रखते हैं मतलब माली सो समवन हु टेक केयरस टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन सो गार्डनर्स क्या होते हैं समवन ऐसा इंसान टेक्स केयर ऑफ आ गार्डन अगेन रीड सम वन हू टेक्स केयर ऑफ़ आ गार्डन देखिए रीडिंग करेंगे तो यू वे अंडरस्टैंड प्रॉपरली थिंग्स है ना सो so, गार्डनस हो गया सम वन हु टेक्स केयर ऑफ अ गार्डन सो नंबर फोर है हमारा प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड क्या हो गया प्ले मीनस खेलना ग्राउंड मीनस मैदान खेलने का मैदान एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले प्ले ग्राउंड क्या होता है प्ले ग्राउंड होता है एन आउटडोर एरिया एक बाहर का ऐसा एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले बच्चों के लिए खेलने के लिए उसे बोलते हैं हम प्ले ग्राउंड एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सनशाइन शाइन नंबर फिफ्थ हमारे पास सन शाइन सूरज की चमक डायरेक्ट सनलाइट नंबर फिफ्थ क्या है हमारे पास सनशाइन सूरज की चमक डायरेक्ट सनलाइट सूरज की जो लाइट होती है उसे बोलते हैं हम सनशाइन ओके नेक्स्ट है पास गोल्डन गोल्डन क्या होगा शाइनिंग लाइक अ गोल्ड ऐसी कोई चीज़ जो गोल्ड की तरह चमक रही है उससे हम क्या बोलेंगे गोल्डन कोई गोल्डन चीज़ लेते हैं तो वो गोल्डन दिखती है मतलब सोने कैसे दिख रही है तभी तो बोलते हैं गोल्डन सो इट इज़ सेम दैट शाइनिंग हो गया शाइनिंग लाइक गोल्ड गोल्डन क्या होता है कोई चीज शाइन कर रही है लाइक अ गोल्ड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फॉर्म सेंटेंसेस तो वी रेडी अब सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं हमारे लिए so, पहला वर्ड है मैजिक फर्स्ट वर्ड इज मैजिक मैजिक क्या होता है पता है हमने ऐसी ट्रिक जो इम्पॉसिबल होती है द विंडोज स्टार्टेड टू गैट क्लोज वाई मैजिक द विंडोज इस्टार्टेड टू गैट क्लोज वाई मैजिक जो विंडो हैं वो मैजिक से क्या होने लगी हैं क्लोज होने लगी हैं द विंडोज इस्टार्टेड टू गैट क्लोज वाई मैजिक सन्टेस फ्रेम करने थे तो वो करेंगे आप नंबर टू है गार्डन गार्डन होता है बागीचा तो आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग मैं हमेशा गार्डन में मॉर्निंग में वॉक करता हूँ या करती हूँ तो अगेन रीड आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग नेक्स्ट नंबर सिक्स गार्डनर्स वेल जो ध्यान रखते हैं गार्डन का द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ फ्लावर्स इन दॉरी इन आर गार्डन जो गार्डनर्स हैं वो ध्यान रखते हैं अच्छा ध्यान रखते हैं फ्लावर्स का हमारे गार्डन का अगेन रीड द दॉरी दार्डनर्स द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द ऑफ द फ्लावर्स इन आर गार्डन रीडिंग पे बहुत ध्यान दीजिए एंड रीड

There is a warm sunshine outside. Next, next is golden. Golden means like a gold. So he has curly golden hair. He has curly golden hair. Curly means pata hai घुमाले जो बाल कर्ली होते हैं घुमे घुमे से होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे कर्ली। So golden means golden. You have to make sentence of golden. He has curly golden hair. ही हैज़ कर्ली गोल्डन हेयर उसके कर्ली गोल्डन हेयर है अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे आंसर द फॉलोइंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके सो स्टूडेंट्स प्लीज मैंशन अब यहाँ से लिखेंगे आप अच्छे से और हेडिंग प्रॉपर लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे ओके एंड आफ्टर दू विलीव वन लाइन ओके नाव लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज़ वाई डेड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वाई डेड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन जो फ्लावर्स हैं वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते हैं क्यों पाया करते हैं वाई डेड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन आंसर है हमारा द सॉरी द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन एस दे ब्रिंग वाटरिंग कैंस एंड वाटर दे अ थर्सटी रूट बिकॉज़ क्योंकि वो क्या क्या करते हैं उनके लिए क्या लेकर आते हैं वो वॉटरिंग वाली कैन ले कर आते हैं उनकी प्यासी जड़ों के लिए दी फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन द फ्लावर्स हैं वो बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि वो दे ब्रिंग वाटरिंग कैंस एंड वाटर दे थर्सटी रूट्स वो उनके लिए क्या लेकर आते हैं उनके लिए वाटरिंग कैंस लगाते हैं और उनकी वॉट उनको वाटर देते हैं उनकी थर्स्टी ओके ना क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर टू इज लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाई डिड द वर्ड्स लव द चिल्ड्रन ओके व्हाई डिड द वर्ड्स लव द चिल्ड्रन जो वर्ड्स हैं वो बच्चों को क्यों प्यार करती हैं सो आंसर इज वर्ड्स लव द दी चिल्ड्रन एज द ब्रिंग ब्रेड फॉर दैम बिकॉज जो वो वर्ड्स हैं वर्ड बच्चों को इसलिए प्यार करती हैं क्योंकि जो चिल्ड्रन हैं वो उनके लिए ले कर आते हैं ब्रेड सो so, आपको क्या करना है बच्चों यू विल ऑल्सो आप अब भी आप भी अपने छत पे अपने घर में जो वर्ड्स होती हैं उनके लिए डेली डालेंगे दाने कुछ भी खाने डालेंगे इसलिए वो आए वन एंड टू एंड थ्री डेज हम डे दे विल नॉट कम स्टार्टिंग की डेज में नहीं आएंगी फिर वो बाद बाद में शुरू कर देंगी उनके लिए वाटर रखिए क्योंकि इस समय बहुत गर्मी है और प्लीज अपना सबका ध्यान रखिए ओके सो अगेन रीड द आंसर द वर्ड इज एज ब्रेड फॉर द एम नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन यू है मैजिक गार्डन five flowers growing in the magic garden okay so our answer is marigold sunflower roses poppies and pennies were the five flowers growing in the magic garden again read marigolds sunflowers roses poppies and पैनीस वर द फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन ओके इफ यू आई एम अगेन रीडिंग बिकॉज जिससे कि आपको समझ में आ जाए मैरी गोल्ड सन फ्लावर्स रोजेस पॉपीज एंड पैनीज वर द फाइव फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ओके सॉरी इसको मैंने कलर नहीं किया लेट मी डू ओके क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा वॉट साउंड चिल्ड्रन हेयर इन द गार्डन बच्चे गार्डन में कैसे साउंड सुन सकते थे कैसे सुन सकते थे एनी आइडिया किसी को कुछ आइडिया है चैप्टर तो रीडिंग करा है सबने यस yes? किए है ना रीडिंग सो so, आपको अच्छे से पता होगा है ना कौन सा साउंड uh, वो लोग सुन सुन सकते थे डन कलर डन ओके हाईलाइट करना जरूरी है ओके सो द चिल्ड्रन कुड़ हेयर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज़ इन द गार्डन जो फेरीज़ हैं वहाँ की जो परियाँ हैं वो जो गाने गा रही हैं वो जो बोल रही हैं वो उनके साउंड सुन सकती थी ओके द चिल्ड्रेन कुड हेयर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ फैरिज इन द गार्डन जो फेरीज सिंह कर रही थी सॉन्ग वो उनको सुन लेते ओके okay. फ्लिफ्थ में क्या करना है लेट सी मैं अभी इसको हाईलाइट करूँगी फिर इन द ब्लैंक्स द मैजिक गार्डन वॉज इन द कहाँ पर था स्कूल के प्ले ग्राउंड में ये आपका आंसर है इसे आपको अंडरलाइन करना है ठीक है वेट मैं पहले कर दूँ अंडरलाइन जो जो आंसर थे ओके सो लेट मी रीड ये आपके आंसर्स हैं पहला हमारे पास क्या है द मैजिक गार्डन वॉज इन द इन स्कूल कहाँ पर है मैजिक गार्डन स्कूल के प्ले ग्राउंड में द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट क्या था वो क्वाइट था दैट नाइट ठीक है दे डांस उन्होंने क्या किया डांस एंड सेंग स्वीट सॉन्ग ओके तो उसकी फ्लप्स क्या है डांस एंड सेंग ओके नेक्स्ट है नंबर फोर है द मैरीगोल्ड ने क्या किया इस्माइल किया हैप्पीली मैरीगोल्ड ने क्या किया इस्माइल किया नंबर फाइव है द सन फ्लावर डैश इट्स वेरी प्राउडली सन फ्लावर ने क्या किया अपना हेड को क्या किया प्राउडली लिफ्ट किया ओके okay? सो so, ये हमारा हो गया इसकी फ्लप्स मैं आपको इसका स्क्रीन शॉट सेंड कर दूँगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो ओके सो स्टूडेंट डू दिस वर्क इन अ नोटबुक वेरी नीट एंड क्लीनली ओके